हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मैसेजेस शेड्यूल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के मैसेजेस, मैसेंजर के मैसेजेस और अपने मोबाइल कैसे मैसेज। अगर आप चाहते हैं कि आपके सोते हुए आपके मोबाइल से किसी को कोई मैसेज सेंड हो जाए तो वो भी पॉसिबल है। किस तरह, वो इस ऐप को खोलने के बाद पता चलेगा। तो इस ऐप का नाम है SQEDIT। तो इसका लिंक जो है डाउनलोडिंग वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस ऐप को ओपन करते हैं मेरे फ़ोन में। तो जी, ये इस ऐप का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको या तो क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा या फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद फेसबुक। तो मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ। तो ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ। सामने ये मेरे से पूछ रहे हैं कि मैंने कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, कि मैं किस चीज़ को शेड्यूल करना चाहता हूँ, कॉल्स को, SMS को, ईमेल्स को, फेसबुक को या व्हाट्सएप को। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ SMS। तो मैं क्लिक करता हूँ SMS पर और ये नीचे डन। तो ये टाइम ले रहा है। तो जी, ये आ गया हमारा ऐप का इंटरफेस। तो आप यहाँ से अपनी कॉल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए मैसेज सिलेक्ट करता हूँ। मैसेज पर क्लिक करते हैं, अलाउ। जी, तो ये ऐप हमसे परमिशन मांग रही है अपने मोबाइल की, तो हम इसको परमिशन दे देते हैं। यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने नंबर डालना है सबसे ऊपर कि आप किस नंबर पर मैसेज शेड्यूल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मैसेज लिख देना है सिंपली, और यहाँ से आपने शेड्यूल से टाइम सेलेक्ट करना है कि किस टाइम आप इसको मैसेज सेंड करना चाहते हैं। और उसके बाद है रिपीट एवरी, मतलब कि आप इसको रिपीट करना चाहते हैं या नहीं इस मैसेज को। तो आप करें नो रिपीट। टोटल शेड्यूल 1, नोटिफाई में बिफोर सेंडिंग, तो आप इसको कर दें। तो जी, ये हमारा काम इस तरह हो जाएगा। मैसेज जब आप लिख लेंगे तो ये शेड्यूल पर लग जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आइए पहले लिख के देख लेते हैं कोई मैसेज। ऊपर मैं अपना ही नंबर लिख लेता हूँ। तो वो ये मैंने कर लिया शेड्यूल। मैं टाइम सेट कर देता हूँ 12 PM या AM, 12 AM। तो ये ऊपर शेड्यूल लिखा आपको नजर आ रहा है येलो कलर में, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये कह रहा है कि ये शेड्यूल पास्ट में है, तो इसको करना पड़ेगा हमें फ्यूचर में, यानी कि 28 करनी पड़ेगी हमें डेट 28 और 12 AM। तो ये शेड्यूल सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारा एक SMS है जो शेड्यूल हो चुका है इस टाइम। तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं फेसबुक पोस्ट पर। आप इसे फेसबुक की पोस्ट भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो फेसबुक पर टेस्ट करते हैं हम इसको। तो ये परमिशन मांग रहा है, इसको कंटिन्यू करते हैं हम। एक बार फिर से ओके, ये लोड, और ये आ गई हमारी पोस्ट। यहाँ पर हम अपनी पोस्ट लिखेंगे। यहाँ पर वही प्रोसेस सेम, और बाद में ऊपर शेड्यूल की ऑप्शन आ जाएगी, और फिर बाद में ऊपर शेड्यूल की ऑप्शन आ जाएगी, वहाँ से हमने इसको शेड्यूल कर देना है। तो अभी के लिए हम अपने जो SMS शेड्यूल है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो आपने जाना है मेन्यू पर और ये लिखा है पेंडिंग, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, और ये आपका शेड्यूल जो आपने किया वो आ गया है। और ये आपको ऊपर मेन्यू नज़र आ रहा है डन, फेल और डिलीट। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस मैसेज पर, और ये है डिलीट का ऑप्शन। ये डस्टबिन बनी, आप इस पर क्लिक कर दें और ये शेड्यूल डिलीट हो जाएगा। और ये साइट से आपको पता लग जाएगा कि आपके मैसेज कितने सेंड हो चुके हैं और कितने फेल हुए हैं और कितने आपने डिलीट किए हैं। तो मैं अभी एक डिलीट कर चुका हूँ। तो ये डिलीट के आगे 1 लिखा आ गया है। तो अगर आप इसके ट्यूटोरियल्स अलग से देखना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन भी है सेपरेट, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय। ये बिक गई है गवर्नमेंट।